हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल। और लेक्चर को आने में थोड़ा सा डिले हुआ है। रीजन ऑलरेडी यू नो दैट कि इन बिटवीन में मुंबई से वाराणसी को ट्रेवल किया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेक्चर में डिले हो गया है। हम कंटिन्यू करेंगे ऑटो एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल को। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ एनाटॉमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ द व्हीकल। तो आपको बहुत वरीड नहीं होना है। बहुत सारे लोगों के मन में से चल रहा हो कि जो हमारा एनाटॉमी का पोर्शन है वो काफी लंबा जा रहा है। बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, सारे वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो भी काफी लंबा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्शन आपके जो सिलेबस से रिलेटेड हैं वो भी कवर होंगे। मैं अभी आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमने एनाटॉमी को डिस्कस करने के लिए उसको बेसिकली फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। ऑलरेडी हमने टू पार्ट को डिस्कस कर लिया। ये हमारा थर्ड पार्ट है, ड्राइव ट्रांसमिशन एंड स्टेयरिंग वाला पोर्शन है। इसमें क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक फ्लो चार्ट है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। हम क्लच असेंबली को डिस्कस करेंगे, बट बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। गियर बॉक्स असेंबली इंक्लूड होती है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में, प्रोपेल शाफ्ट इंक्लूड होती है, और स्टेयरिंग सिस्टम भी इंक्लूड होता है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो इन सबका हम बेसिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपका सिलेबस है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन है। तो हम अभी फर्स्ट पॉइंट पे हैं, एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल, बट केवल एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हुई हैं ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पे देखो तो आगे आपको क्लच के टाइप्स पढ़ने हैं, क्लच का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इसका कुछ पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बट डेफिनेटली इसको हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। नेसेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ब्रेक और सस्पेंशन को हम नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करेंगे, जो हमारा एनाटॉमी का फोर्थ पोर्शन है। तो आप देख रहे हो कि जो आपका सिलेबस है वो भी एनाटॉमी में कवर हो रहा है। यहाँ पे स्टेयरिंग के बारे में दिखा, तो हम यहाँ पे स्टेयरिंग का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्रीफली, बट जो आपका स्टेयरिंग कन्वेंशनल और पावर स्टेयरिंग है इसको डिटेल में हम सेपरेट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपका जो आगे का सिलेबस है वो भी कवर हो रहा है। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लेक्चर्स काफी बड़े हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @ManuAcademy। आप मनु अकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। अगर ट्रांसमिशन सिस्टम ना होगा तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ये एक डायग्राम है जहां पे आपको ये इंजन दिख रहा होगा। ऑलरेडी यू नो दैट कि इंजन पावर प्रोड्यूस करता है, इंजन की एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, इसके बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम लगा होता है। ये सारे जो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे ये मिलजुल के क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं हमारे इंजन से हमारे व्हील तक। अगर ये सारे सिस्टम ना हो और हम व्हील को डायरेक्टली इंजन से कपल्ड कर दें तो डेफिनेटली हमारी व्हील चलेगी, इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा और व्हील ड्राइव हो जाएगी। जो भी डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना है हम इजिली कर सकते हैं, या कोई और काम परफॉर्म करना है, वर्क परफॉर्म करना है, तो उसको हम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आया, हमारी इच्छा ये है कि हमारी जो इंजन की स्पीड है हम उसको वेरी कर पाए, जो हमारे इंजन का टॉर्क है उसको हम वेरी कर पाए। हम ये नहीं चाहते कि जो हमारे इंजन का टॉर्क यहाँ पे लिबरेट हो रहा है फ्लाई व्हील पे, सेम टॉर्क हमारे व्हीकल का भी हो, व्हील का भी हो, या जो स्पीड यहाँ पे लिबरेट हो रही है वही स्पीड हमारे व्हील की भी हो। हम चाहते हैं कि वे वेरी कर पाए उसको। हम उसको वेरी करने की जो हमारी चाहत है उसके लिए हमने बनाया ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ये पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो बेसिकली अगर ट्रांसमिशन सिस्टम के आप कंपोनेंट को देखो तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, क्लच होता है, आपके गियर बॉक्स होती है, प्रोपेल शाफ्ट होता है, यूनिवर्सल जॉइंट होता है, रेयर व्हील होती है, रेयर एक्सेल होता है, और व्हील एंड टायर होता है, वॉट एवर दैट। अब सबका हम फंक्शन थोड़ा थोड़ा से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंजन है, इंजन आपका पावर डेवलप किया, इंजन के जस्ट बगल में इंजन वाली जो शाफ्ट होती है क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पे हमारी फ्लाई व्हील कपल्ड होती है। फ्लाई व्हील के साथ साथ हमारी जो पूरा क्लच प्लेट्स हैं वो कपल्ड होती हैं, क्लच प्लेट के बाद ये कपल्ड होती है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम से या फिर गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स कपल्ड होता है हमारे ड्राइविंग शाफ्ट से, यहाँ पे जॉइंट होता है यूनिवर्सल जॉइंट जिसे हम कहते हैं, बेसिकली किसी इंक्लाइंट पे या फिर किसी एंगल पे अगर आपको पावर ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए आप यू जॉइंट का बेसिकली यूज करते हो। तो ये यहाँ पे यू जॉइंट लगे होते हैं, यहाँ पे भी यू जॉइंट लगा होता है, और यहाँ पे एक स्लिप जॉइंट भी होता है जो बेसिकली हमारी जो शाफ्ट होती है उसकी लेंथ को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्लिप जॉइंट का भी यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल सिस्टम होता है, डिफरेंशियल सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। डिफरेंशियल जो हमारी व्हील होती है, रेयर व्हील होती है, इनर और आउटर व्हील दोनों को डिफरेंट स्पीड से रोटेट करने के काम आती है, जिससे हम स्लिपिंग को अवॉइड कर पाते हैं। ये आपके रेयर व्हील होती है जो बेसिकली पावर कंज्यूम करती है फ्रॉम द डिफरेंशियल। तो ये पूरे कंपोनेंट्स होते हैं। क्लच का काम क्या होता है, क्लच का काम होता है इंगेज करना और डिसएंगेज करना हमारे इंजन को हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम से।
अगर हम क्लच प्लेट को दबाते हैं तो क्या होता है, डिसएंगेजमेंट हो जाता है। अब हमारा पावर ट्रांसमिशन जो हो रहा होता है इंजन से हमारे व्हील की तरफ, वो रुक जाता है और हम गियर शिफ्ट कर पाते हैं इजिली। अगर आप बिना क्लच प्लेट को दबाए गियर को शिफ्ट करोगे तो वहां पे डिफरेंट स्पीड होगी। अगर डिफरेंट स्पीड है तो वहां पे वाइब्रेशन आएगा, हमारे जो टीथ हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं, वियर टीयर ज्यादा होगा, तो ये सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली ये सब होगा। तो उसकी वजह से एफिशिएंसी भी घटेगी, सिस्टम का मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, क्लच का यूज करते हैं टू इंगेज एंड डिसइंगेज टू इंजन टू अदर पार्ट ऑफ द व्हीकल्स। नेक्स्ट हमारा गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स का बेसिकली हम यूज करते हैं टू चेंज द गियर रेशियो। अब गियर रेशियो का हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, जैसे कभी कभी हमारे व्हीकल के ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से हमको ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है, कभी कभी पे हमको ज्यादा स्पीड चाहिए होता है, बट हमारा जो इंजन है वो पावर तो सेम डेवलप कर रहा है, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ ओमेगा। अगर हमको ज्यादा स्पीड चाहिए तो हमको टॉर्क घटाना पड़ेगा, अगर हमको ज्यादा टॉर्क चाहिए तो हमको स्पीड घटाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसमिशन बेसिकली गियर बॉक्स का यूज करते हैं, जिससे हम गियर रेशियो को चेंज कर पाते हैं। जैसे कि आप अपहिल जा रहे हो तो उस टाइम पे आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, स्पीड कम चाहिए, तो हम फर्स्ट गियर में जाते हैं। फर्स्ट गियर में आपको टॉर्क ज्यादा मिलेगा, मतलब इंजन के पास पावर ज्यादा रहेगा, स्पीड कम रहेगी, तो आप इजिली क्लाइंब कर सकते हो। डाउनफॉल आ रहे हो आप, जहाँ पे आपको टॉर्क कम चाहिए स्पीड ज्यादा चाहिए, तो हायर गियर में चले जाओगे। तो इस तरीके से हमारा गियर बॉक्स काम करता है। इसको भी डिटेल में आपको ट्रांसमिशन सिस्टम में पढ़ना है, यहाँ पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। प्रोपेल शाफ्ट क्या करती है, आपके जो ट्रांसमिशन है, गियर बॉक्स है, इससे कपल्ड होती है और इससे डिफरेंशियल से कपल्ड होती है। तो हमारा जो गियर सिस्टम है वहां से पावर को ये डिफरेंशियल को ट्रांसमिट करती है। यूनिवर्सल ज्वाइंट क्या करता है, जैसे पहले भी मैंने आपको कहा कि अगर इंक्लाइन पे किसी एंगल पे आपको पावर ट्रांसमिट करना है तो वहां पे हम यूनिवर्सल ज्वाइंट का यूज करते हैं। रेयर एक्सल, बेसिकली जो रेयर एक्सल होता है, ये व्हील आप देख रहे हो, तो यहाँ पे वैसे तो हम इसको सिंगल यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये दो यूनिट होता है। जैसे ये हमारी बीच में डिफरेंशियल होती है और यहाँ पे एक व्हील है, यहाँ पे एक व्हील है, ये बीच में डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल से हमारी ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन रेयर एक्सल हमारे व्हील से कनेक्टेड होता है। ये पावर अलग अलग ट्रांसमिट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल हमारे दोनों व्हीकल को, इनर और व्हील, इनर और आउटर व्हील को डिफरेंट स्पीड से रोटेट कर सकता है, तो अलग अलग पावर ये सप्लाई करता है जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। व्हील एंड टायर ऑलरेडी और आप जानते हो, ये हमारे व्हील है, टायर है, जिसका बेसिकली यूज होता है टू कैरी द लोड, यही लोड को, हमारे लोड को स्टैंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि हम नेसेसिटी को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एलोबोरेट करके लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन सिस्टम जरूरी क्या है। तो पहले कनेक्शन, कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना हमारे पावर को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, एक लीवरेज प्रोवाइड करता है इंजन और ड्राइव व्हील के बीच में, कि आप स्पीड कम चाहते हो, ज्यादा चाहते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। जो अपोजिट डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिशन होता है वो हम इससे कर पाते हैं। जो पावर ट्रांसमिशन डिफरेंट एंगल, डिफरेंट लेंथ पे हमको वेरी करना होता है, जैसे कि हमने स्लिप की बात किया, स्लिप ज्वाइंट की बात किया, जैसे कि हमने यूनिवर्सल ज्वाइंट की बात किया, तो डिफरेंट एंगल पे आपको पावर ट्रांसमिशन करना है, तो उसके लिए आपको ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। स्पीड रिडक्शन के लिए चाहिए होता है, पावर डाइवर्जन के लिए चाहिए होता है। तो ये सारी बेसिकली रिक्वायरमेंट है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम की। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव का यूज करने का, तो जो ऑप्शन रहेंगे नियर अबाउट ये होता है कि हम पावर को, टॉर्क को या वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, वेरी करने के लिए हम बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज करते हैं। बट नेवरदलेस ये सारी चीजें आप याद रखो, तो कभी ऑप्शन को अगर वो वेरी कर पाए तो आप एंसर कर पाओगे इसको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। तो बेसिकली फोर टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एंड सीवीटी, मतलब कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन आपने नाम सुना होगा, ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन सिस्टम है, मैनुअली में क्या करते हो आप, बाई हैंड गियर को चेंज करते रहते हो। ऑटोमेटिक में आपको बाई हैंड चेंज नहीं करना पड़ता है। अब देखो, जो बाई हैंड आप चेंज करते हो तो वहां पे आपको एक क्लच प्लेट भी चाहिए डिसएंगेज इंगेज करने के लिए, तो क्लच प्लेट को आप दबाते हो, फिर इंगेज एंड डिसएंगेज करते हो। जब कोई ऑटोमेटिक हो गया तो क्लच प्लेट का काम ही हट गया, आपको उसको पुश ही नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, तो वहां पे क्लच प्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑटोमेटिकली गियर शिफ्टिंग होती है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ऑटोमेटिकली गियर शिफ्टिंग करता है। फिर सेमी ऑटोमेटिक, जैसे इसका नाम है सेमी ऑटोमेटिक, या फिर हम इसको डुअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप पेडल के थ्रू करते हो, बट ये इसमें हम एलोबरेट कर देते हैं हमारे फंडामेंटल या मैकेनिज्म थोड़ा सा ऑटोमेटिक का, थोड़ा सा मैनुअल का, ताकि हम इसके एफिशिएंसी को बढ़ा पाए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीवीटी, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशियो आप अचीव कर पाते हो। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि यहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशियो मिल जाता है। बट एक चीज आपको ध्यान देना है, अब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं है कि इन पूरे जो सिस्टम है उनमें गियर यूज नहीं होगा। जैसे ऑटोमेटिक है तो आपको ऐसा नहीं सोच लेना कि इसमें गियर होती ही नहीं है, चाहे सीवीटी है तो इसमें गियर नहीं होती होगी। गियर की रिक्वायरमेंट तो सब में होती है, बिना गियर का कोई सिस्टम वर्क नहीं कर पाता है। तो ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के लिए हम गियर रखते हैं, बट वहां पे जो इनपुट आउटपुट है पावर का, उसका जो सिस्टम है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम को। तो यहाँ पे पूरा मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की स्टोरी लिख रखी है, ये स्टोरी मैं आपको सीधा डायग्राम से बता देता हूँ। ये एक सिंपल सा डायग्राम है मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का। यहाँ से हम समझेंगे कि जो हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है बेसिकली वर्क कैसे होता है। फंक्शनलिटी ऑलरेडी मैंने सब मेंशन किया हुआ है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, आप यहाँ पे समझ लो, बाकी एक बार पढ़ लेना आप। ये आपका इंजन होता है जो पावर डेवलप करता है। जो क्रैंकशाफ्ट होती है इससे एक फ्लाईव्हील कपल्ड होती है, ये टीथ वाली आपको दिख रही है, इसे हम फ्लाईव्हील कहते हैं। फ्लाईव्हील कपल्ड होती है, फ्लाईव्हील का वर्क क्या होता है ऑलरेडी आप, हमने कई सारी जगह डिस्कस किया हुआ, आपको पता भी होगा। फ्लाईव्हील के साथ हमारी पूरी क्लच की असेंबली अटैच्ड होती है। क्लच की असेंबली के साथ यहाँ पे आपको क्लच का एक पैडल होता है जो हम बेसिकली यूज करते हैं इंगेज और डिसंगेज करने के लिए। ये आपको गियर बॉक्स का सिस्टम दिख रहा होता है, इसे हम कहते हैं इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट पे जो पावर होता है उसे हम आउटपुट शाफ्ट को सप्लाई करते हैं थ्रू द इंटरमीडिएट शाफ्ट। तो यहाँ पे हम एक इंटरमीडिएट शाफ्ट का भी यूज करते हैं। इंटरमीडिएट शाफ्ट हमारे इनपुट शाफ्ट से क्या होती है, इंगेज हुई रहती है, जिसके वजह से जो भी हमारे इनपुट शाफ्ट की स्पीड है वो इंटरमीडिएट शाफ्ट की स्पीड होती है। अब हमको हमारे व्हीकल का जो आउटपुट शाफ्ट है उससे पावर सप्लाई करना होता है, और यहाँ से हम डिफरेंट गियर रेशियो सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए मैनुअली इसको ट्रांसमिट करने के लिए, इंगेज या डिसंगेज करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया रहता है। होता क्या है, सपोज करिए हमको फर्स्ट गियर में व्हीकल को लेके जाना, हमने व्हीकल को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लच ले लेंगे, क्लच लेके ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इंगेज होता है। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे वहां पे वाइब्रेशन होगा, आपकी व्हीकल स्किड करना शुरू करेगी, तो आप क्लच लेके स्टार्ट करोगे क्योंकि आपका इंजन स्टार्ट हो गया, बट ये पावर ट्रांसमिट नहीं होगा हमारे आउटपुट शाफ्ट को, तो आपकी व्हीकल आगे नहीं बढ़ेगी। क्लच ले लिया आपने, अब आपको फर्स्ट गियर में जाना है। फर्स्ट गियर में जाना है, फर्स्ट गियर में आपको टॉर्क ज्यादा मिलेगा, स्पीड कम मिलेगी। फर्स्ट गियर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका लीवर है ये हम इससे कनेक्ट कर देंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से पावर ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप पावर ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक डाउट हो सकता है, आपको लगेगा कि ये जो सारे गियर्स दिख रही हैं सारे इंटरमीडिएट गियर के साथ कपल्ड ही तो हैं। देखिए एक चीज आपको समझना है, ये कपल्ड है, जो मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है वहाँ पे कपल्ड होती हैं। इससे पहले यहाँ पे दो गियरिंग सिस्टम आते थे, जब हम एक दूसरे को कपल करते थे तो एक बाहर आ जाता था, दूसरा कपल्ड होता था। बाद में हमने इसको चेंज कर दिया है, अब हम क्या कहें, सारी गियर हमारी कपल्ड होती है बट वो लूज फिट होती है, लूज फिट होने की वजह से वो पावर को ट्रांसमिट नहीं करती है। जब हमको पावर ट्रांसमिट करना होता है तो ये लॉकिंग सिस्टम होता है, लॉकिंग सिस्टम को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी ये गियर हमारे शाफ्ट के साथ लॉक हो जाती है और पावर ट्रांसमिट करना शुरू कर देती है। तो इसको हम आगे कर देंगे, ये हमारे इस गियर को लॉक कर देता, पावर ट्रांसमिशन इस गियर से होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट गियर। सेकेंड करना होगा, इसको बैक साइड करेंगे, इसके साथ लॉक हो जाएगा ये। अब हमारा जो पावर है यहाँ से होके ऐसे होके हमारे शाफ्ट को जाएगा, तो ये फर्स्ट गियर होगा, ये सेकेंड गियर होगी। इसी तरीके से ये आगे करेंगे तो ये थर्ड गियर हो जाएगी, ये पीछे करेंगे तो फोर्थ गियर हो जाएगी, और इसकी आगे करेंगे तो ये फिफ्थ गियर हो जाएगी, और इसके पीछे करेंगे तो ये रिवर्स गियर हो जाएगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिस तरीके से हम फिफ्थ गियर सिस्टम को वर्क कराते हैं मैनुअली। यही काम जब आप ऑटोमेटिक में जाते हो तो मैनुअल सिस्टम आपका ये हट जाता है, वहां पे टॉर्क कन्वर्टर आ जाता है। यहाँ पे आप क्लच पैड्स का यूज करते हो, वहां पे वो टॉर्क कन्वर्टर आ जाता है। टॉर्क कन्वर्टर बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल के फंडामेंटल पे वर्क करता है, वो ऑटोमेटिकली स्पीड के हिसाब से आपके गियर को शिफ्ट कर देता है, तो आपको मैनुअली गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये सारी चीजें मैंने जैसे कि गियर सिलेक्शन के लिए आपको बताया है, वही सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन किया। अगर वहां से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो एक बार सब्र के साथ इन सारी चीजों को पढ़िएगा। जो हमारा पॉइंट है दैट इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती हैं, वहां पे हम क्लच पेट की जगह पे टॉर्क कन्वर्टर का यूज करते हैं। अब टॉर्क कन्वर्टर का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल एक बार हमने डिस्कस किया हुआ है, हमारे जो डायग्नोसिस ऑफ द व्हीकल है शायद उस चैप्टर में आप देख सकते हो, वहां पे
टॉर्क कन्वर्टर का हम यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप ये समझ लो कि सेंट्रीफ्यूगल फंडामेंटल पे वर्क करता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहती है उस हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है, गियर को चेंज करता रहता है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको गियर का दिखेगी, आपको पॉइंट दिख रहे होंगे पी आर एन डी, पी मतलब पार्किंग, आर मतलब रिवर्स, एन मतलब न्यूट्रल, डी मतलब ड्राइव। तो आपको कौन से मोड में रहना है बस वही आपको शिफ्ट करना है, इसके बाद आपको गियर शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप व्हीकल को एक्सेलरेट करोगे, व्हीकल को जैसे एक्सेलरेट करोगे जो हमारा टॉर्क कन्वर्टर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से गियर सिस्टम को चेंज करता रहेगा। जो स्पीड है, अगर ज़्यादा स्पीड है तो गियर सिस्टम को बढ़ाता रहेगा 2, 3, 4, अगर कहीं पे टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो गियर सिस्टम को घटा देगा। तो इस तरीके से हमारी ऑटोमेटिक गियर सिस्टम वर्क करते हैं। तो बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल है। जब ये सेपरेट पार्ट आपके सिस्टम में आएगा कि मैनुअली और ऑटोमेटिक गियर सिस्टम को सेपरेटली डिस्कस करना हो तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन भी है। और अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें हमारे मैनुअल सिस्टम से ऑटोमेटिक सिस्टम को, तो ऑटोमेटिक सिस्टम थोड़ा सा यूनिफॉर्म होता है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट होती है वो हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। जो स्पीड होती है स्पीड के साथ वेरिएशन हमको मिल जाता है, बट एक चीज़ है, चूँकि हम टॉर्क कन्वर्टर यूज करते हैं, टॉर्क कन्वर्टर की वजह से पावर कंजप्शन बढ़ जाता है, वहाँ पे हीट डिसिपेशन भी होता है, तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम में। और बहुत ही जनरल व्यू है कि जहाँ भी चीज़ों को आप ऑटोमाइज करते हो वहाँ पे पावर कंजप्शन बढ़ जाता है और एफिशिएंसी घट जाती है। तो मैनुअल सिस्टम थोड़ा सा आप कह सकते हो वाइब्रेटरी होता है, यूनिफॉर्म शिफ्टिंग नहीं होती है गियर की, बट एफिशिएंसी एज कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम उसकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज सेमी ऑटोमेटिक या डुअल करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। जैसा कि इसका नाम है सेमी ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे हमने कुछ मैनुअल करना होता है और कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया, या इसे हम हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे गियर शिफ्ट करने के लिए हमारे पास पैडल्स होते हैं, गियर हम पैडल्स के थ्रू शिफ्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे गियर शिफ्ट करने के लिए हमको क्लच पैडल को ऑपरेट नहीं करना पड़ता है, हमारा क्लच पैडल ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैनुअल कार आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको गियर शिफ्ट करने से पहले क्लच पैडल को ऑपरेट करना पड़ता है, हमारे इंजन को हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम से डिसएंगेज करना पड़ता है। बिना डिसएंगेजमेंट के हम गियर शिफ्ट नहीं करेंगे, करोगे आप तो बाकी सारी मेंटेनेंस आपकी बढ़ जाएगी, टीयर गियर का वियर टीयर ज़्यादा होगा, ब्रेक डाउन हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से आपको डिसंगेज करना पड़ता है ताकि हम सिंक्रोनाइज कर पाए वेलोसिटी को। अगर बिना वेलोसिटी को सिंक्रोनाइज किए हुए अगर गियर शिफ्ट करोगे आप तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आपको ऑपरेट नहीं करना पड़ता है क्लच पैडल को, बाकी आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है। जो क्लच पैडल होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्ड यूनिट माइक्रोप्रोसेसर। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक सिंपल डायग्राम है आपका सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम का, तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो बेसिक बेसिक हमको समझना है सारे सिस्टम के बारे में। बेसिकली ये हैवी व्हीकल्स में हम यूज करते हैं सेमी ऑटोमेटिक, थोड़ा ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, हम मैनुअली जो मैनुअल मैकेनिज्म है उसको भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं और ऑटोमेटिक जो मैकेनिज्म है उसका भी यूज कर लेते हैं, थोड़ी सी इफिशियंसी को हम यहाँ पे इम्प्रूव कर पाते हैं हमारे सिस्टम का। बेसिकली ये डुअल क्लच सिस्टम होता है, एक हमारा कंट्रोल करता है इवन गियर को और दूसरा हमारा कंट्रोल करता है ऑड गियर नंबर को और रिवर्स गियरिंग को। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है दैट इज सीबीटी, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम। कंटिन्यूअसली वेरिएबल का मतलब होता है यहाँ की जो गियर रेशियो होती है दैट विल कंटिन्यूअसली चेंज। यहाँ पे हम दो कॉनिकल पुली और बेल्ट का यूज करते हैं, आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। जो बेल्ट होता है उसका ऑप्टिमम टेंशन अचीव करने के लिए, मतलब ऑप्टिमम टेंशन को मेंटेन करने के लिए हमारी जो पुली होती है डेट विल अचीव अ इफेक्टिव डायमीटर, और जैसे जैसे टेंशन बढ़ता जाता है वो ऑप्टिमम टेंशन मेंटेन करने के लिए डायमीटर चेंज होता रहता है और हमारी डिफरेंट गियर रेशियो अचीव हो पाती है। तो इस ट्रांसमिशन सिस्टम में बिना गियर का यूज करके हम डिफरेंट गियर रेशियो को मेंटेन कर पाते हैं, बट सिंपल आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कोई हम गियर यूज नहीं करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप डायग्राम दिख रहे होंगे, कोनिकल पुलीज आपको दिख रहे होंगे, कोनिकल पुलीज जैसे जैसे हम टेंशन बढ़ाते जाते हैं बेल्ट का, बेल्ट के टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए जो डायमीटर है वो चेंज होता रहता है। डायमीटर चेंज होने की वजह से हमारी जो गियर रेशियो है वो चेंज होती रहती है, बट यहाँ पे आपको अनफॉर्चुनेटली कुछ गियरिंग सिस्टम भी दिख रहे होंगे। तो जो हमारी बेल्ट और पुली है, जब हम व्हीकल को रिवर्स करना चाहें या रिवर्स गियरिंग करें तो उस टाइम पे जो हमारी बेल्ट और पुली है वो जवाब देती है, क्योंकि रिवर्स आप कर नहीं पाओगे इससे। जब रिवर्स आप इससे नहीं कर पाओगे तो उसके लिए हम प्लेनेटरी गियर सिस्टम का यूज करते हैं इन द सीबीटी।
आगे हम जब टाइप्स इसका पढ़ेंगे तो वन बाय वन करके डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे एक एक ट्रांसमिशन सिस्टम का, कि वो कैसे वर्क करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे काम करते हैं। यहाँ पे अगर हम डिटेलिंग करने लगेंगे तो लेक्चर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी चीजों का हमको इंट्रोडक्शन देखना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, क्लच असेंबली। क्लच का वर्किंग क्या होती है आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये होता है हमारी फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील कनेक्ट होती है हमारी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के साथ ये जो हमारी सिस्टम होता है ये कपल्ड होता है, इसमें प्रेशर प्लेट होती है और ये हमारी होती है क्लच डिस्क या क्लच प्लेट या फिर फ्रिक्शन प्लेट हम इसको कहते हैं। इसके दोनों साइड फ्रिक्शन लगा होता है, तो एक साइड ये कपल्ड हो जाती है हमारी फ्लाई व्हील से, दूसरी साइड ये कपल्ड हो जाती है हमारी प्रेशर प्लेट से। अब बहुत बार आपसे क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछते हैं कि नंबर ऑफ जो कॉन्टेक्ट सरफेस होते हैं वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे मल्टी क्लच सिस्टम में। तो देखो ये प्रेशर प्लेट हो गई, ये हमारी फ्रिक्शन प्लेट हो गई, ये प्रेशर प्लेट, एक फ्रिक्शन प्लेट, ये प्रेशर प्लेट, एक फ्रिक्शन प्लेट और ये प्रेशर प्लेट। तो इस टाइप से अगर हम यहाँ पे देखो तो ये फ्रिक्शन प्लेट है हमारी, ये फ्रिक्शन प्लेट है, ये फ्रिक्शन प्लेट है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट कितना हो गए, 3। अगर हम प्रेशर प्लेट की बात करें तो 1, 2, 3, 4, तो टोटल प्लेट नंबर नंबर ऑफ प्लेट कितना हो गई, 7। तो जो नंबर ऑफ प्लेट है वो हमारा 7 है। अब अगर हम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट है दो साइड कॉन्टैक्ट करेगी, तो 2 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस हो गए, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस हो गए, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस कितने हो गए, 6। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस जो होते हैं दैट इज एन माइनस वन, जितने नंबर ऑफ प्लेट्स आपने यूज किए हैं उससे एक कम कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं। तो बहुत बार इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फंक्शन ऑफ क्लच। क्लच का काम क्या होता है, बेसिकली क्लच कौन से काम परफॉर्म करते हैं। तो जब भी आप इंजन को स्टार्ट करते हो उस टाइम आपको क्लचिंग की जरूरत पड़ती है, अगर अदरवाइज आपकी व्हीकल क्या करेगी, स्किड करना शुरू करेगी। अगर आपको गियर चेंज करना हो फर्स्ट से सेकेंड थर्ड या किसी भी गियर सिस्टम में जाना हो तो आप क्लच का यूज करते हो, आपके इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से डिसंगेज कर पाता है, जिसके वजह से आप सिंक्रोनाइज स्पीड पे अपनी गियर को चेंज कर पाते हो, डिसकंटिन्यू कर पाते हो। जब कभी भी आप ब्रेक लगाते हो व्हीकल को आपको रोकना होता है तो आप अपने इंजन को अपने ट्रांसमिशन सिस्टम से डिसकनेक्ट करोगे, तभी तो व्हील रुकेगी। अदरवाइज आप ब्रेक तो लगाए होगा, कंटिन्यूअसली पावर ट्रांसमिशन होता रहेगा तो आपका ब्रेक भी घिस जाएगा और व्हीकल भी नहीं रुकेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, टू अलाउ द इंजन टू टेक लोड ग्रेजुअली विदाउट द शॉक और जर्क। डेफिनेटली आप सोच के देखो कि अगर आपने अपने व्हीकल को 3 और 4 गियर में लगा के व्हीकल स्टार्ट कर रहे हो बिना क्लच लिए हुए, तो सडन आपके जो इंजन है उस पे लोड जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही स्टार्ट होगा व्हीकल को ड्राइव करने की कोशिश करेगा, बट हो सकता है आपका इंजन उसको ड्राइव ना कर पाए क्योंकि स्टार्टिंग में जो टॉर्क डेवलपमेंट होगा वो कम होगा वहां पे, तो जिसके वजह से इंजन के पास पावर कम रहेगा तो ड्राइव नहीं हो पाएगा, तो वहां पे जर्क आएगा, स्किडिंग आएगी, तो ये सारी चीजें मिनिमाइज करता है हमारा क्लच प्लेट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लच। जब कभी भी आप क्लच या फिर क्लच कंपोनेंट को डिजाइन करने जाओगे तो आपके माइंड में क्या चीजें होना चाहिए, हमारा क्लच कौन कौन सी कंडीशन को, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई या फुलफिल करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है टॉर्क ट्रांसमिशन का, उसका काम होता है तो मैक्सिमम टॉर्क को ट्रांसमिट करे। मैक्सिमम टॉर्क कब ट्रांसमिट होगा, जब उसका फ्रैक्शन का मटेरियल बहुत अच्छा होगा, वहां पे स्लिपिंग होने के चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू ही पावर ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ग्रेजुअल इंगेजमेंट होना चाहिए, सडन इंगेजमेंट ना हो ताकि वाइब्रेशन ना आए या फिर क्लच प्लेट ब्रेक डाउन ना हो, ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट हो, हीट डिसिपेशन एबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है, हीट हीट जनरेशन ज्यादा होगा, अगर हीट जनरेशन ज्यादा है डिसिपेशन कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। डायनेमिक बैलेंसिंग होनी चाहिए क्योंकि काफी हाई स्पीड से वो रोटेट कर रहा होता है, अगर उसकी डायनेमिक बैलेंसिंग नहीं है तो आपके व्हीकल में वाइब्रेशन आएगा, डेफिनेटली आपकी व्हीकल अनबैलेंस रहेगी। वाइब्रेशन डैम्पिंग, जो भी वाइब्रेशन या नॉइस है उसको हम कंट्रोल कर पाए, एलिमिनेट कर पाए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, साइज ऑफ क्लच शुड बी स्मॉल, स्मॉल साइज के होने चाहिए ताकि वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाए और अपना काम परफॉर्म कर पाए। फ्री पैडल प्ले होना चाहिए ताकि जो इफेक्टिव लोड है उसको रिड्यूस कर पाए और जो हमारा थ्रस्ट है वियरिंग का उसको मिनिमाइज कर पाए, जिसकी वजह से वियर और टियर कम हो। इजी ऑपरेशनल और एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका एक्सेस इजी होना चाहिए, इजी ऑपरेशन होना चाहिए वहाँ पे, ज़्यादा पावर, बहुत ऐसा नहीं कि हमें उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ रहा हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट होने की वजह से उसकी एनर्शिया कम होगी, एनर्शिया कम होने की वजह से जब हम उसको डिसंगेज करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो जो स्टार्टिंग की स्पीड है उसी स्पीड में घूमता रहेगा, वो इजीली क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, तो जिसके वजह से उसकी एनर्शिया कम होनी चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए।
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मेन पार्ट ऑफ द क्लच। क्लच के बेसिकली थ्री पार्ट होते हैं, ड्रिवन मेंबर, ड्राइविंग मेंबर एंड ऑपरेटिंग मेंबर। ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा तीनों मेंबर का फंक्शंस क्या होते हैं। ये हमारी फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के साथ ये हमारी केसिंग कपल्ड होती है और केसिंग के साथ हमारी प्रेशर प्लेट कपल्ड होती है जिसे हम कहते हैं ड्राइविंग मेंबर। तो प्रेशर प्लेट हमारी इसके साथ कपल्ड होती है और ये पूरा हमारा कपल्ड होता है फ्लाईव्हील के साथ। इन बिटवीन दैट हमारी क्लच प्लेट होती है जिसे हम कहते हैं ड्रिवन मेंबर, और इसके दोनों साइड में जो हमारी क्लच प्लेट है दोनों साइड फ्रिक्शंस लगे होते हैं जो हमारे फ्लाईव्हील से कपल्ड हो पाते हैं और प्रेशर प्लेट के साथ इंगेज हो पाते हैं। तो ये जो क्लच डिस्क है यहाँ पे टॉर्शनल और कॉशन स्प्रिंग्स लगी होती हैं। कॉशन स्प्रिंग बेसिकली जो इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट है उसको स्मूथ कर देती है ताकि जर्क या वाइब्रेशन ना हो, और जो टॉर्शनल स्प्रिंग्स लगी होती हैं वो बेसिकली जो क्लैंपिंग लोड होता है उसकी वजह से जो वियर होता है उसको रिड्यूस करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है गियर बॉक्स, गियर बॉक्स का जो फंक्शन है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। बेसिकली अगर गियर बॉक्स को इन जनरल हम बात करें तो यूज करते हैं टू चेंज द गियर रेशियो, हमको कब ज्यादा टॉर्क चाहिए, हमको कब ज्यादा स्पीड चाहिए, हम मेंटेन कर पाते हैं थ्रू द गियर रेशियो। यहाँ पे फंक्शंस भी लिखा हुआ है कि हमको थोड़ा लिवरेज होता है स्पीड और टॉर्क को मेंटेन करने में, नेचुरल पोजीशन भी हम मेंटेन कर पाते हैं ताकि हमारा इंजन चलता रहे बट हमारा जो ट्रांसमिशन है वो ना हो हमारे व्हील को, ताकि हमारी नेचुरल कंडीशन अचीव हो पाए। अगर आप व्हीकल को रिवर्स करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप यूज करते हो बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो इसको आप डिटेल में डिस्कस करोगे जब आप मशीन डिजाइन या टोम का जो सिलेबस होगा उसमें, बट नेवर्थलेस यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज पॉपुलर शाफ्ट। तो पॉपुलर शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करती है हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम से जो व्हील्स हैं उनके बीच में। बेसिकली यहाँ पे इंजन लिख दिया बट आपको पता है इंजन से फ्लाईव्हील कनेक्ट होती है, उससे क्लच असेंबली कनेक्ट होती है, उसके बाद वहाँ पे हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है, और जो प्रोपेल शाफ्ट से कनेक्ट होता है थ्रू यू जॉइंट, ये यूनिवर्सल जॉइंट, वहाँ से पावर ट्रांसमिट होता है डिफरेंशियल को, और डिफरेंशियल हमारे व्हील को पावर ट्रांसमिशन देता है। तो कभी कभी आपसे ये कनेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कौन किससे जॉइंट होता है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज शाफ्ट। तो शाफ्ट बेसिकली टैबुलर क्रॉस सेक्शन की बनी होती है और यहाँ पे टॉर्सन स्ट्रेस आती है क्योंकि ये रोटेट होती रहती है। तो कभी कभी आपसे स्ट्रेस के बारे में पूछता है कि पर्टिकुलरली इस शाफ्ट में कौन सी स्ट्रेस आती है, किस टाइप की होती है। यूनिवर्सल जॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्सल जॉइंट जब किसी एंगल पे किसी इंक्लाइनेशन पे आपको पावर ट्रांसमिशन करना होता है तो आप यूनिवर्सल जॉइंट का यूज करते हो। स्लिप जॉइंट, अगर जो आपकी टॉर्सनल शाफ्ट है उसकी लेंथ को आप चेंज घटाना या बढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पे स्लिप जॉइंट का हम बेसिकली यूज करते हैं। बहुत बार ये रिक्वायर्ड होती है हमारे ड्राइव कंडीशन के हिसाब से। तो एक साइड हमने यूनिवर्सल जॉइंट लगाया हुआ है, दूसरे साइड हम स्लिप जॉइंट का भी यूज करते हैं ताकि हम शाफ्ट के लेंथ को घटा और बढ़ा सकें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज फ्रंट एक्सल। तो एक्सल का बेसिकली काम होता है टू वियर द लोड, लोड को वियर करना, व्हील से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और उसके रोलिंग कंडीशन को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे आपको एक्सल दिख रहा होगा, बेसिकली आई सेक्शन का डिजाइन होता है ताकि इसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा हो, बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ पाए। यहाँ पे ये स्टब एक्सल के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू किंग पिन, इस तरीके से कुछ स्टब एक्सल्स लगे होते हैं, लगा होता है और ये किंग पिन के साथ कनेक्टेड होता है। कभी कभी आपको कनेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा प्रिवेंट करता है इंटरफेरेंस से हाई स्पीड के केस में, जो हमारा इंजन होता है उसकी फर्स्ट लोकेशन को प्रिवेंट करता है कि वो इंटरफेयर ना कर पाए, एक दूसरे में टक्कर ना लगा पाए फ्रेम के साथ, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम भी लगा होता है। ये ट्रॉप फॉर्ज एलॉय स्टील का बना होता है, आई सेक्शन का बना होता है ताकि ये इसकी बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा हो, टॉर्सनल स्ट्रेस इसकी ज्यादा हो। और जो हमारा फ्रंट एक्सल होता है डेट विल सपोर्ट द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम एंड स्ट्रट एंड द क्वाइल स्प्रिंग अलाउ द व्हील टू मूव अप एंड डाउन, जिसके वजह से जो हमारा ड्राइविंग एंगल होता है वो चेंज नहीं होता है और जो हमारी ड्राइविंग होती है वो स्मूथ होती है। जो हमारा फ्रंट एक्सल होता है डेट विल अलाउ टू रोटेट द व्हील फ्रीली। अब हम बात कर लेते हैं हमारे रेयर एक्सल का। तो रेयर एक्सल भी जो हमारा ड्राइविंग या फिर ब्रेकिंग टॉर्क होता है उसको ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट ये सपोर्ट करता है हमारे पूरे मैकेनिज्म को, पूरे डिफरेंशियल जो मैकेनिज्म होता है उसको सपोर्ट करता है। ये जो डिफरेंशियल मैकेनिज्म होता है इसको डिवाइड कर देता है हमारे जो रेयर एक्सल है उसको लेफ्ट एंड राइट हैंड पे, और ये अलाउ करता है कि जो हमारे इनर और आउटर व्हील हैं वो डिफरेंट स्पीड पे मूव कर पाए जब कभी भी हम टर्निंग ले रहे हों। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम इज यूज बाय द ड्राइवर टू कंट्रोल द व्हीकल। बेसिकली इसी से आप व्हीकल को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। यहाँ पे आपको पार्ट्स दिख रहे होंगे स्टीयरिंग सिस्टम का, ये होती है स्टीयरिंग व्हील। बेसिकली हम स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते रहते हैं, जिस डायरेक्शन में हमें जाना होता है उस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और हमारी व्हीकल उस डायरेक्शन में जाती है।
स्टेयरिंग व्हील से कनेक्टेड होता है आपका स्टेयरिंग कॉलम, स्टेयरिंग रॉड इसे कह लो आप। स्टेयरिंग रॉड से यहाँ पे कनेक्ट होता है पिनियन और ये होता है रैक। तो रैक पिनियन मैकेनिज्म के थ्रू हम हमारे व्हील के रोटेशनल मोशन को एक लीनियर मोशन में, जो भी हमारे लिंकेज हैं उस लिंकेज के ट्रांसलेशनल मोशन में हम इसको कन्वर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम फंक्शन को पढ़ लेते हैं जहां से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाने की प्रॉबिलिटी होती है कि स्टेयरिंग का फंक्शन क्या होता है। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे व्हीकल को, कौन से डायरेक्शन में व्हीकल को जाना है ये हम हमारे स्टेयरिंग से डिसाइड करते हैं। अगर स्टेयरिंग जो है वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं है तो हमारी व्हीकल स्लिप करेगी, स्किड करेगी। सपोज करिए कि हमारी ये व्हीकल है, इसके हमारे ये फोर व्हील हैं, तो परफेक्ट स्टेयरिंग कंडीशन का मतलब कि जब कभी भी रोटेशन हो तो जो व्हीकल हो एक आई सेंटर हो, इन सभी का, इन सभी व्हील का एक ही आई सेंटर हो, एक ही आई सेंटर से ये रोटेट कर रही होंगी, तब ये स्किड या स्लिप नहीं करेंगी। अगर इनका स्लिप एंगल सेम रहा तो ये स्किड या स्लिप करेंगी, मतलब जो इनका फॉरवर्ड डायरेक्शन का मोशन है उससे जो इन्होंने एंगल लिया है ये डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं ताकि ये स्मूथली टर्न कर पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आपने व्हीकल अपने स्टेयरिंग को टर्न किया है तो अपने आप जैसे आप छोड़ देते हो व्हील को, आपने टर्न करके छोड़ देते हो, ऑटोमेटिकली वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है और अपनी न्यूट्रल कंडीशन को अचीव कर लेती है, जिसके लिए हम पॉजिटिव कैस्टर एंगल भी देते हैं। तो अगर कोई कोई स्टेयरिंग व्हील ऐसा नहीं कर रही, आपने उसको रोटेट करके छोड़ दिया और उसी कंडीशन में पड़ी हुई है, मतलब आपके स्टेयरिंग में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। ये मिनिमाइज करती है या फिर कंट्रोल करती है हमारे व्हीकल के हमारे व्हील के वियर एंड टीयर को। डेफिनेटली स्टेयरिंग एंगल अगर कम ज़्यादा हुए तो आपके व्हीकल पे जो लोडिंग कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी और आपके व्हील पे वियर टीयर बढ़ जाएगा। जो ट्राइबल है ये यूज करता है आपके व्हीकल को टर्न करने के लिए। इट विल ऑल्सो कन्वर्ट द रोटरी मोशन ऑफ द स्टेयरिंग व्हील टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रंट व्हील। जो भी ऑपरेशन आपने किया है उसको टर्न करने के लिए वहां पे आपको एफर्ट को ही मिनिमाइज करते हैं, मतलब विदाउट एफर्ट वो इनिशियल कंडीशन को अचीव कर पाती है। जो भी रोड से शॉक आता है उसको ट्राइबल तक नहीं जाने देते हैं, मतलब उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द स्टेयरिंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड स्टेयरिंग। गुड स्टेयरिंग का रिक्वायरमेंट क्या होती है? इट शुड बी एक्यूरेट, डेफिनेटली एक्यूरेट होना चाहिए। जितना एंगल पे आपने टर्न किया है व्हीकल को उतना ही एंगल टर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हो आपकी व्हीकल किसी और डायरेक्शन में जा रही है। इसका जो हैंडलिंग है वो ईजी होना चाहिए, डेफिनेटली एफर्ट कम से कम एफर्ट में आपका काम होना चाहिए, इसीलिए तो पावर स्टेयरिंग का सिस्टम आ गया। पावर स्टेयरिंग में बेसिकली हम डीसी मोटर का यूज कर लेते हैं, डीसी मोटर के थ्रू हम अपने जो ह्यूमन एफर्ट है उसको मैग्नीफाई कर देते हैं, जिसके वजह से हमको कम एफर्ट लगाना पड़ता है पावर स्टेयरिंग में एज कंपेरिजन टू मैनुअल स्टेयरिंग। तो आप आजकल जितनी भी व्हीकल आ रही हैं सारी आपकी पावर स्टेयरिंग ही आती हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इट शुड प्रोवाइड द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। द फ्रंट व्हील शुड रोल विदाउट द लेटरल स्किडिंग। स्किडिंग आपके व्हीकल में या व्हील में नहीं होना चाहिए। जो एंगल है, जो प्रोपोर्शनल है एंगल का, टर्निंग एंगल का जो प्रोपोर्शनल है वो हमेशा कांस्टेंट मेंटेन होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो व्हील है वो अपने नेचुरल कंडीशन में आ जाए आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो नेचुरल कंडीशन को अचीव कर ले। जो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील का वो मिनिमम हो, जिसके वजह से जो हैंड है उसमें वाइब्रेशन कम आए, और कुछ डिग्री में हमारे व्हील में इनरिवर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर पूरी रिवर्सिबिलिटी रहेगी तो जितना भी शॉक होगा फ्रंट व्हील का वो ड्राइवर के हैंड में आएगा। स्टेयरिंग मैकेनिज्म की बात करें तो बेसिकली दो टाइप के स्टेयरिंग मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, और जो सबसे पॉपुलर स्टेयरिंग मैकेनिज्म है वो अकरमैन का है। यहाँ पे जो टॉय रॉड होती है वो थोड़ी छोटी होती है और जो उनका ऑपरेटिंग एंगल होता है उसको हम मैनेज कर पाते हैं रेयर एक्सेल के बीच में। थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस कम होता है, इजी ऑपरेशन होता है। अगर हम डेविस मैकेनिज्म का यूज करें तो यहाँ पे हम स्लाइडर्स का यूज करते हैं, जिसके वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है, तो हम डेविस का थोड़ा सा यूज कम करते हैं। हम अकरमैन गियरिंग का, अकरमैन स्टेयरिंग मैकेनिज्म का यूज ज्यादा करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेपरेटली आपके जो टोम का सेक्शन है वहाँ पे इन सबको डिटेल में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका स्टेयरिंग लिंकेज। जो स्टेयरिंग लिंकेज होते हैं डेफिनेटली दैट विल यूज टू कनेक्ट द व्हील। व्हील से आपके स्टेयरिंग को कनेक्ट करते हैं। जो स्टेयरिंग होल होती है जिसको आप रोटेट करते हो बेसिकली पॉलीएथरीन या फिर हार्ड प्लास्टिक की बनी होती है, ग्रिपिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, ये सारे
क्राइटेरिया है बेसिकली। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है स्टेयरिंग कॉलम, जो स्टेयरिंग कॉलम होता है बेसिकली कनेक्ट करता है आपके स्टेयरिंग व्हील से आपके स्टेयरिंग गियर के मैकेनिज्म को, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और लगे होते हैं जिससे आप इजीली इसको यूज कर पाए, जो स्विचेज होते हैं हार्न लाइट स्वीपर ये सारी चीज़ें क्विक एक्सेस के लिए ड्राइवर क्विकली एक्सेस कर पाए, इस वजह से वहाँ पे लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टेयरिंग शाफ्ट, स्टेयरिंग शाफ्ट विल मेड ऑफ द अलॉय स्टील बाय द टॉप वॉज मेथड, और ये हमारे स्टेयरिंग व्हील से स्टेयरिंग गियर को कनेक्ट करते हैं, मतलब स्टेयरिंग व्हील का जो मोशन है स्टेयरिंग गियर को ट्रांसफर करते हैं। ड्रॉप आर्म, जो ड्रॉप आर्म होते हैं इसे हम पिटमैन आर्म्स भी कहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना, बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी टॉप वॉज स्टील का बना होता है और ये कनेक्ट करता है हमारे क्रॉस शाफ्ट को ड्रैग लिंक, और जो ड्रैग लिंक होता है दैट विल कनेक्ट द स्टेयरिंग नकल, और स्टेयरिंग नकल से जो व्हील होती है हमारे व्हीकल की वो कनेक्टेड होती है, तो ये पूरा एक लिंकेज क्रिएट हो जाता है हमारे स्टेयरिंग व्हील से लेके हमारे व्हीकल के व्हील तक। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टेयरिंग गियर, स्टेयरिंग गियर इकोलॉजी हमने डिस्कस किया है कि स्टेयरिंग गियर जो हमारी एंगुलर मूवमेंट होता है स्टेयरिंग व्हील के, वो हमारे लिंकेज के स्टेयरिंग लिंकेज के ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं और आज के बेसिकली इस डिस्कशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मटेरियल यूज ऑफ द लाइनिंग ऑफ द फ्रिक्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो फ्रिक्शन मटेरियल यूज होता है हमारे क्लच प्लेट में वो ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि फ्रिक्शन के थ्रू उसका कनेक्शन होता है या डिसएंगेजमेंट होता है, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमें फ्रिक्शन मटेरियल काफी हाई होना चाहिए। इनर्शिया, इनर्शिया की ऑलरेडी हमने बात किया था, इनर्शिया इसका मिनिमम होना चाहिए ताकि एक बार जब ये डिसएंगेज हो तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने में इसको टाइम ना लगे। अगर इसकी इनर्शिया बहुत हाई होगी तो वो रोटेट कर रही होगी तेज स्पीड से, तो देर तक वो तेज स्पीड से रोटेट करती रहेगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द पॉसिंग स्प्रिंग इज क्लच प्लेट आर मेंट टू रिड्यूस, जो पॉसिंग स्प्रिंग होती है वो जर्क को रिड्यूस करती है, जो जर्क या वाइब्रेशन आप कह लो स्टार्टिंग या इंगेजिंग के बाद जो जर्क नहीं आए उसकी वजह से हम पॉसिंग स्प्रिंग का वहां पे यूज करते हैं। इफ एन टोटल नंबर ऑफ प्लेट ऑन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट इन द मल्टी प्लेट क्लच, ऑलरेडी हमने इसको बताया है आपको कि एक सपोज ये प्रेशर प्लेट है, एक क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, तो जो नंबर ऑफ इंगेजिंग पेयर्स होंगे सरफेस के वो होंगे एन माइनस वन के बराबर, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका सी होगा। टोटल अगर लिंकेज को आप टोटल प्लेट्स को काउंट करो तो जितने प्लेट्स होंगे उससे जो कनेक्टिंग सर्फेस होंगे वो एक कम होंगे ऑलवेज, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन क्लच द क्वाइल स्प्रिंग या फिर टॉर्सन स्प्रिंग द वियर ऑफ द क्लच फेसिंग विथ कॉजिंग क्लैंपिंग लोड टू, क्लैंपिंग लोड टू डिक्रीज, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द कवर असेंबली दैट होल्ड द प्रेशर प्लेट अगेन द क्लच प्लेट आर द स्प्रिंग, स्प्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं, मतलब स्प्रिंग होल्ड द प्रेशर प्लेट अगेंस्ट द क्लच प्लेट। मैंने आपको पहले बताया कि जो असेंबली होती है कवर प्लेट की उसमें प्रेशर प्लेट अटैच होता है और प्रेशर प्लेट को हम बोल्ट कर देते हैं हमारे फ्लाईव्हील के साथ, और फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में हम क्लच प्लेट को असेंबल कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑन द कार हैविंग रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म द रैक इज अटैच्ड टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉल जॉइंट, किससे कनेक्टेड होते हैं, टायर रॉड से। आपने देखा इस तरीके से रैक होता है और यहाँ पे टायर रॉड होती है, तो ये टायर रॉड से बेसिकली कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे हमारी स्टेयरिंग रॉड या शाफ्ट होती है जो कि पिनियन होता है, और ये हमारी रैक होता है, ऑलरेडी इस चीज को हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बाई यूजिंग द सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस इन द गियर बॉक्स द टू एडजेसेंट गियर या फिर डॉग क्लच हैव टू देयर स्पीड, देखिए बेसिकली सिंक्रोनाइजर यूज क्यों किया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब अभी क्लच डॉग का आप यूज करोगे और जब कभी भी आप गियर को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर डिफरेंट स्पीड पे आप जो इंटरमीडिएट गियर है और जो मेन शाफ्ट की या फिर आउटपुट शाफ्ट की जो गियर है उसको मिस करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, वियर एंड टीयर होगा, तो आप ट्राई करना है हमें कि जो हमारा स्पीड हो इक्वल हो, तो स्पीड को इक्वल करने का काम करता है सिंक्रोनाइजर, इसीलिए इसका नाम है सिंक्रोनाइजर, तो इसे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज इक्वलाइज करता है ये। द टू पीस ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट रिक्वायर, जो दो पीस होते हैं प्रोपेलर शाफ्ट का दैट विल रिक्वायर द सेंट्रल सपोर्ट, सेंटर का सपोर्ट होना चाहिए बियरिंग का, तभी तो अटैच एक दूसरे से जुड़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है द मेन पर्पज ऑफ द ट्रांसमिशन इन द ऑटोमोबाइल, ट्रांसमिशन का काम क्या होता है, जिसे मैंने आपसे कहा भी कि बेसिकली ये वेरी करते हैं टू वेरी द टॉर्क एंड रोड विल,
ये स्पीड और टॉर्क को वेरी करते हैं, जिसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माउंट बिटवीन द इंजन एंड गेयर बॉक्स। इंजन के और गेयर बॉक्स के बीच में क्या माउंट होता है, क्या क्या माउंट होता है? फ्लाईव्हील माउंट होती है, क्लच की असेंबली माउंट होती है, और हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम माउंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज क्लच, क्लच माउंट होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द ट्रांसमिशन सिस्टम इफ रिवर्स गेयर स्लिप आउट पॉसिबल कॉज शुड बी, क्या हो सकता है जो रिवर्स गियर है वो शिफ्ट आउट हो जाए, उसके वजह से क्या? टीथ, टीथ ऑब्वियसली जो हमारे गियर बॉक्स है उसके जो टीथ हैं गियर के, वो अगर वॉर्न आउट हो जाएंगे तो स्लिपिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, स्पेस क्रिएट होने की वजह से स्लिपिंग होने के चांसेज रहेंगे। दो मेन शाफ्ट की स्प्लाइंस हैं जिसके वजह से वो शाफ्ट में एक तरह से फिट की गई हैं, अगर वो खराब हो गई तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर स्लिप करेंगे, तो इसके वजह से हो सकता है। और हमारी गियर का जो मेसिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो ये पूरे रीजन हो सकते हैं, तो यहाँ पे होगा आंसर डी इज करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इन द व्हीकल स्टीयरिंग गियर एंड द ड्रैग लिंक आर कनेक्टेड बाय, ड्रैग लिंक और स्टेयरिंग गियर मतलब पिनियन और रैक की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो रैक होता है वो टॉप आर्म्स या फिर से पिटमैन आर्म्स भी कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टेयरिंग गियर, किसके लिए? बॉल टाइप स्टेयरिंग गियर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कर पाते हैं। अपने बियरिंग में भी पढ़ा होगा कि बॉल टाइप बियरिंग जो होती है उनमें फ्रिक्शन को आप मिनिमाइज कर पाते हो। लार्ज द स्टीयरिंग एंगल, अगर स्टीयरिंग एंगल लार्ज होगा तो जो सर्कल रोटेट करने का होगा या जो टर्निंग सर्कल होगा वो छोटा होगा, क्योंकि जितना लार्ज एंगल होगा उतना जल्दी ही हमारी व्हीकल टर्न आउट कर पाएगी, तो टर्निंग जो है सर्कल होगा वो स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ द पिटमैन, अगेन सेम क्वेश्चन, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉप आर्म। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है, दैट इज डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम द पावर स्टीयरिंग पंप इज ड्रिवन बाय, यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम की बात किया गया है। मतलब पावर स्टीयरिंग जो सिस्टम होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक हाइड्रोलिक ऑपरेटर होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑपरेटर की बात किया गया है, जब हाइड्रोलिक है फ्लूड होगा वहां पे तो पंप भी लगा होगा फ्लूड का प्रेशर बढ़ाने के लिए, और ये बेसिकली ड्राइव किया जाता है बेल्ट के थ्रू द क्रैंक शाफ्ट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोनाउंसिएशन कर लेना आप इस पर्टिकुलर वर्ड का, ड्राइव इज ओपन टू द प्रोपेलर शाफ्ट इन विच टॉर्क रिएक्शन इज टेकन बाय, जो टॉर्क रिएक्शन है दैट विल एब्जॉर्ब बाय द स्प्रिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्लिप जॉइंट इन द प्रोपेलर शाफ्ट इज प्रोवाइडेड, स्लिप जॉइंट क्यों प्रोवाइड करता है? जब कभी भी रिक्वायरमेंट है उसको हम जो हमारे शाफ्ट है प्रोपेलर शाफ्ट उसको छोटा या बड़ा कर पाए, तो इसकी वजह से हम स्लिप जॉइंट का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो दिस इज द अलाउड टू ड्राइव थ्रू द वेरिएबल एंगल, गलत। दिस इज द टू मेंटेन द लेंथ, टू मेंटेन द लेंथ, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज बी करेक्ट होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेबुलर सेक्शनल प्रोपेलर शाफ्ट इज नॉर्मली यूज बिकॉज इट हैज लो वेट, डेफिनेटली लो वेट ये किसी सेंस में कह रहे हैं, जैसे कि अगर सिमिलर सेक्शन सिमिलर वेट में अगर आप किसी और सेक्शन को लोगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, बेंडिंग स्ट्रेंथ कम होगी, टॉर्सनल स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इसका सेक्शनल मॉडुलस ज्यादा होता है। टू प्रोवाइड द लार्ज रेजिस्टेंस, डेफिनेटली ये लार्ज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। क्रिटिकल वर्लिंग स्पीड ऑफ द प्रोपेलर शाफ्ट इज इंक्रीज बाय, वर्लिंग स्पीड मतलब वो स्पीड जिसपे रेजोनेंस को अचीव कर ले हम, या स्पीड एट विच द रोटेशन शाफ्ट विल वाइब्रेट ट्रांसवर्सली, या जिसपे फेल होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, या आप कह लो उसपे हमारी जो शाफ्ट होती है वो फेल हो जाती है क्योंकि वो इनफाइनाइट स्ट्रेन को अचीव कर लेती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज सी करेक्ट होगा। डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, अगर लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है तो जो क्रिटिकल स्पीड है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगी, अगर लेंथ छोटी है तो क्रिटिकल स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा स्पीड पे हमको रेजोनेंस मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 23, द फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सल ज्वाइंट इज टू अलाउ द प्रोपेलर शाफ्ट इज ट्रांसफर टॉर्क एट एंगल, पहले भी हमने कहा इंक्लाइंट पे जब कभी भी पावर ट्रांसफर करना हो तो वहां पे हम यूनिवर्सल ज्वाइंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Which of these system used to motor vehicle to supply the output of the internal combustion engine to drive wheel? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा। ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Which type of transmission system is used for the disengagement and engagement between the engine and remainder of transmission system?
ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट का काम करता है क्लच। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा। 26 इन अ फोर व्हील ड्राइव देयर इज, फोर व्हील ड्राइव में कितने आपके लाइव एक्सेल्स होंगे, लाइव एक्सेल्स मतलब जिनको डायरेक्टली पावर सप्लाई किया जाता है, तो देयर इज द टू लाइव एक्सेल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। अगर हम इन जनरल बात करें, अगर हम ऐसे कहें कि जो हमारे एक्सेल्स हैं वो कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो उस हिसाब से तो काफी ज्यादा हो जाएंगे, बट इन जनरल देयर इज द टू लाइव एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रोड्यूस डिफरेंट गियर रेशियो इन ऑटोमोबाइल। किसका यूज करते हैं हम, गियर बॉक्स का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द डिफरेंट गियर रेशियो इन द ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फ्रंट एक्सल इज मेड आई सेक्शन। आई सेक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 29 नंबर, द एंड ऑफ द फ्रंट एक्सल इज माउंट विथ फ्रंट एक्सल। काइंड किससे माउंट होता है, ये आपका फ्रंट एक्सल होगा, ये हो गया स्टेप एक्सल, और ये होता है हमारी किंग पिन, ये इससे माउंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका स्टब एक्सल आएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लोड डज द एक्सल टेक ड्यू टू द लोड ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे बेंडिंग बेसिकली हम कहें इन जनरल, तो बेंडिंग लोडिंग होती है हमारे एक्सेल्स पे, जो टॉर्सनल शाफ्ट होती है उस पे टॉर्सनल लोडिंग होती है। जो फ्रिक्शन लोड अगर हम कहें, तो मेनली कोई वियर करता है तो हमारे क्लच प्लेट करती है, क्लच प्लेट फ्रिक्शन की वजह से ही चलता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।